और आप देख रहे हैं धौलपुर का नंबर वन चैनल चंबल प्रभा। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह सड़क पर अचानक कुत्ता आने से एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक सवार 3 महीने की मासूम की मौत हो गई, जबकि हादसे में पति पत्नी सहित 2 बच्चे घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां महिला की हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक इलाज के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया। हादसे को लेकर अस्पताल में भर्ती घायल बाइक सवार मलखान उम्र 30 साल मोजीराम निवासी तुलसी नगर आगरा ने बताया कि वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों को बाइक पर लेकर अपने गांव अम्बाहा मध्य प्रदेश जा रहा था। रास्ते में बरेठा चौकी के पास आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर उसकी बाइक के सामने अचानक कुत्ता आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में उसकी 3 महीने की बेटी सोनम की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में वह और उसकी पत्नी विस्ना उम्र 28 साल, बेटी लक्ष्मी उम्र 5 साल और बेटा मौनिक 3 साल घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। महिला की गंभीर हालत होने पर महिला को प्राथमिक इलाज के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया। किसी फिल्म का एक गाना था, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। आज जानवर की जान इंसानों ने ले ली है, तो चुप क्यों है संसार। ये 2 आवारा सांडों की तस्वीर है, जिसमें एक को कुल्हाड़ी के वार से लहूलुहान किया गया है, वहीं दूसरे को ट्रक ने कुचल दिया है। यह तो जानवर है, अच्छा बुरा नहीं समझते, पर आप तो इंसान हो जो बुद्धि रखते हो, विवेक रखते हो। सावन के महीने में लोग नंदीश्वर को बेलपत्र, दुग्ध, शहद इत्यादि से अभिषेक कर रहे हैं और नंदी की मूर्ति के कान में मनोती भी मांगते हैं। लेकिन सचमुच नंदियों की बात आती है तो उन्हें खाने के बजाय अकेला लट्ठी ही नहीं, गर्म पानी, कटीले नुकीले तार, कुल्हाड़ी का वार, पत्थरों की मार आदि मिलती है। ना तो श्रद्धा का दिखावा करने वाले और ना ही एक झटके में लाखों का भ्रष्टाचार करने वाले शासन प्रशासन के जिम्मेदार इनकी सुध ले रहे हैं। खैर, इतना अवश्य है कि आप और हमारे लिए कोई पशु व जानवर निकम्मा खतरनाक हो सकता है, लेकिन जिन पशु पक्षियों जानवरों को देवी देवता स्वयं पूजते हैं, अपने स्नेह की छाव में रखते हैं, उन जानवरों को आज मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए उनका अंत करने पर लगा हुआ है और भूल जाता है कि वह क्या कर रहा है। राजस्थान की बेटियां मांगे न्याय, अब तो मत करो अन्याय। राज्य में उखड़ी हुई कानून व्यवस्था के विरोध में एबीवीपी का प्रदर्शन। राजस्थान की कानून व्यवस्था फेल, मुख्यमंत्री के गृह जिले में शर्मसार घटना के विरोध में एबीवीपी का सीकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। हाल ही में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना होने से राजस्थान की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल दिखाई दे रही है। राजस्थान में आए दिन यौन शोषण, बलात्कार, पेपर लीक, चोरी, डकैती एवं महिला उत्पीड़न की घटनाएं दिन प्रतिदिन हो रही है। राजस्थान की गहलोत सरकार में जंगल राज हो गया है। राजस्थान की कानून व्यवस्था को मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा रहे। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर इकाई द्वारा शहर के मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया गया। प्रांत संयोजक अभिनव सिंह ने बताया कि जहां राजस्थान वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, शौर्य की इस भूमि पर इस तरह की घटनाएं राजस्थान की माटी को कलंकित करती हैं। इसी को लेकर आज विद्यार्थी परिषद ने प्रांत के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया है। राजस्थान सरकार अपराध पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। कॉलेज परिसरों में महिला सुरक्षा को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री को जल्द ही बड़ा कदम उठाना चाहिए, अन्यथा पूरे राजस्थान में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज इस आक्रोश को लेकर तेल के मुख्य मार्ग पर राजस्थान सरकार और अशोक गहलोत का पुतला जलाया।
इसी दौरान निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह, जिला संगठन मंत्री रोहित चतुर्वेदी, जिला संयोजक धीरेन्द्र सिंह, विकास अग्रवाल, अरुण चौधरी, नीरज शर्मा, विष्णु भारद्वाज, आकाश भगेल, भूदेव शर्मा, अंकित सेन, जतिन अग्रवाल, प्रदीप कुशवाहा आदि मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा धौलपुर के मुख्य चौराहे पर अशोक गहलोत का पुतला जलाया गया। जोधपुर में जो नाबालिग के साथ घटना हुई है, उसमें जिस प्रकार से राजस्थान सरकार के द्वारा एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को उनको जोड़ा जा रहा है, जो कि ये तथ्यहीन है। राजस्थान सरकार बौखलाहट में इस प्रकार का आरोप विद्यार्थी परिषद के ऊपर रख रही है, उसको लेकर के प्रांतीय आह्वान पर पूरे राजस्थान में एक साथ राजस्थान सरकार के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया गया है और सरकार को चेताया गया है कि जल्दी सरकार ने इस मामले में उस नाबालिका के न्याय के लिए कार्य नहीं किया तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रांत में विधानसभा का घेराव करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम धौलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय श्री भगवान शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय भैसेनकापुरा धौलपुर। हमारे यहां आपको मिलेगा नंबर वन फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम, हवादार कमरे एवं शुद्ध ठंडा पानी, वाहन सुविधा उपलब्ध एवं कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती है। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है भैसेनकापुरा धौलपुर, निर्देशक मुन्नालाल राजपूत, मोबाइल नंबर 97994406 39, व्यवस्थापक उदय सिंह राजपूत, मोबाइल नंबर 8290-64-26-12। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर वन फैकल्टी, जैसे विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ एवं वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती है। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर सेतो रोड धौलपुर, प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, 9414583770, निर्देशक इंदर सिंह पवार, 8005888839। धौलपुर के सदर थाना इलाके के सरानीखेड़ा गांव में सोमवार रात एक परिवार के 6 सदस्यों की दूषित सब्जी खाने से तबीयत बिगड़ गई। पेट में दर्द और चक्कर आने के बाद परिजनों ने सभी को जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि सोमवार रात घर के मुखिया अमर सिंह आलू गोभी खरीद कर लाए थे, जिसे बनाने के बाद आलू गोभी की सब्जी का घर के सभी सदस्यों ने सेवन किया। रात करीब 2 बजे के बाद एक के बाद एक सदस्य के पेट में दर्द, चक्कर और बीपी की शिकायत शुरू हो गई। लगातार घर के सदस्यों की तबीयत बिगड़ने और अन्य परिजनों के हाथ पैर फूल गए। मंगलवार को टेम्पो द्वारा सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों से मिली जानकारी में दूषित सब्जी होने के कारण फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई है। जूजी डॉक्टर ने बताया कि सभी को प्राथमिक इलाज शुरू कर दिया है। पेशेंट को ड्रिप लगाने के साथ एंटीबायोटिक और ग्लूकोज दिया जा रहा है। दूषित सब्जी खाने से गीता उम्र 65 साल, पत्नी भूप सिंह, सीमा उम्र 35 साल, पत्नी अमर सिंह, संजना 11 साल, पुत्री रवि, मानवी 10 साल, पुत्री रवि गुड़िया, मनु, अमर सिंह की तबीयत बिगड़ी है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बसेड़ी उपखंड की मनमोदन ग्राम पंचायत में प्रशासन की कार्यवाही से पहले ही घबराया भूमाफिया। भूमाफिया धीरेन्द्र ने ग्राम पंचायत की खसरा संख्या 616 व चारागाह भूमि खसरा संख्या 161/1 पर कर रखा है अतिक्रमण।
भूमाफिया ने स्वयं के स्तर पर 2 दिन के समय में अपना अतिक्रमण हटाने को लेकर दिया प्रार्थना पत्र। उपखंड मजिस्ट्रेट बसेड़ी कुणाल राहड़ ने प्रार्थना पत्र के आधार पर 2 दिन को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की स्थगित। स्काउट गाइड जिला मुख्यालय धौलपुर में CDEO श्रीमती कृष्ण कुमारी की अध्यक्षता में प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के तहत CEO कार्यालय में शपथ ली गई और अपने अपने परिवेश कार्यालय आदि को तंबाकू मुक्त करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर CEO गजेंद्र त्यागी, CEO गाइड सीमा रिजवी, टोबैको फ्री कैंपेन KKRP और सचिव राजाखेड़ा हेमंत पारासर, KRP राजेश माहेश्वरी, सचिव चित्राम मनोज राजकुमार, संतोष कुमार, राम प्रकाश, उमेश पारासर, बालीचरण आदि अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अब आपके शहर धौलपुर में पहली बार लेकर आए हैं युवान फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन क्लिनिक। यहां पर कोरियन मशीनों द्वारा हाइड्रा फेशियल पुरुष और महिला दोनों का किया जाता है। इसको करने से महिला और पुरुष दोनों के चेहरों की चमक, धब्बे, झुर्रियां, पिंपल्स आदि हट जाते हैं। साथ ही फिजियोथेरेपी द्वारा हमारे यहाँ पर फॉलिस, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द आदि बीमारियों का, सर्वाइकल का दर्द आधुनिक मशीनों द्वारा उपचार किया जाता है। हमारे यहाँ पर एक्यूप्रेशर मशीन द्वारा पूरे शरीर की जांच उपलब्ध है। हमारा पता है आयुष्मान हॉस्पिटल के बगल में घंटाघर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 77 26 91 65 61। समय सोमवार से रविवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें 77 26 91 65 61। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल दारा सिंह नगर दारा पैलेस के पास धौलपुर, अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए CCTV कैमरा, RO वाटर और पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से UKG तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा, मोबाइल नंबर 94-13-81-68-81 और 96-64-01-24-11। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल धौलपुर जिले का एकमात्र CBSE एफिलिएटेड विद्यालय, जहां सभी कक्षाएं फुली AC और डिजिटल बोर्ड से संचालित है। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन। सभी अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंपोजिटिव स्मार्ट लैब क्लास PG से 10th तक। एडमिशन ओपन। CBSE न्यू दिल्ली से संचालित। विद्यालय का पता आशियाना कॉलोनी जेल रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 99-28-62-33-87 और 95-89-64-12-22। बसेड़ी के पास भूतेश्वर मंदिर पर भक्तों की उमड़ी भीड़। मंदिर के नीचे बह रही पार्वती नदी में किया भक्तों ने स्नान और बाबा भोलेनाथ पर बेलपत्र, धतूरा, दूध, फूल आदि से भक्तों ने की पूजा अर्चना। सुबह से ही कांवड़ियों की लगी लंबी लाइनें, मंदिर परिसर में कई जगह लगे भंडारों में भक्तों ने पाई प्रसादी और भक्तों ने मेले में की भारी खरीदारी। मेले में सरकार की तरफ से किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे से गुर्जर शब्द हटाने पर गुर्जर समाज हुआ आक्रोशित, पुनः गुर्जर शब्द जुड़वाने की रखी मांग। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के द्वारा जोधपुर विश्वविद्यालय में स्थापित गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज शोध संस्थान के नाम से गुर्जर शब्द हटाने पर जताया विरोध एवं पुनः गुर्जर शब्द जुड़वाने की रखी मांग। राजस्थान सरकार द्वारा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज पर शोध के लिए राज्य सरकार ने शोध संस्थान बनाया है। यहाँ गुर्जर सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार शोध संस्थान के नाम में से गुर्जर शब्द को हटा दिया गया है, जबकि पूरे इतिहास में हमेशा से ही गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज पढ़ा जाता रहा है और जबकि पूरे इतिहास में सभी जगह गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखा है, जिसके प्रमाण इतिहास की पुस्तकों में व विभिन्न शिलालेखों में मौजूद है, लेकिन यहाँ जानबूझकर गुर्जर शब्द को हटाया गया है। साथ ही इस शोध पीठ की जो कमेटी बनाई गई है उसमें भी सभी प्रोफेसर एक ही जाति समुदाय से है, जिसे राजस्थान सहित संपूर्ण गुर्जर समाज में रोष व्याप्त है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष पंकज नेकाड़ी, युवा नेता ऐशवीर पोषवाल, राष्ट्रीय महामंत्री गंगाराम गुर्जर, ध्रुव, आकाश, भरत, शिवम, सोमेंद्र, सुमेर, आकाश, भानु, मुकेश, रामवीर आदि उपस्थित रहे। अग्रवाल सभा वाड़ी के तत्वाधान में विराट अग्र महाकुंभ यात्रा को लेकर हुई मीटिंग। शहर की श्री बाड़ी अग्रवाल पंचायत की धर्मशाला में बाड़ी अग्रवाल द्वारा अग्रवाल समाज की मीटिंग रखी, जिसमें 23 जुलाई को होने वाले अग्र महाकुंभ को लेकर कई बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें जिला महामंत्री मनोज मोदी ने बताया कि बाड़ी में सभी बस दिनांक 23 जुलाई को शाम 6 बजे गुलाब बगीची से प्रस्थान करेगी। मीटिंग के दौरान बाड़ी अग्रवाल समाज अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने कहा कि समाज को एकजुट होकर अधिक से अधिक जनसंपर्क करना चाहिए। हमारा लक्ष्य बाड़ी क्षेत्र से 10 से 15 बस ले जाने का भरसक प्रयास रहेगा। साथ ही साथ बताया कि राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर समाज को सबसे अंतिम पंक्ति में रखा जाता है। मीटिंग के दौरान महिला प्रदेश अध्यक्ष कमलेश गर्ग ने कहा कि महिलाओं को अधिक से अधिक अपने परिवार के साथ नामांकन कराकर जयपुर अब विराट महाकुंभ में जाने के लिए प्रेरित करें। मीटिंग के दौरान अग्रवाल सभा उपाध्यक्ष विजय सिंगल सहित अग्र समाज बंधु मौजूद रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। राजाखेड़ा पंचायत समिति परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर द्वारा वृक्ष लगाकर उसमें पानी देकर वृक्षारोपण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वृक्ष लगाना पुण्य एवं पवित्र कार्य है। इस अवसर पर विकास अधिकारी राकेश सिंगल ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 500 पौधे प्रति ग्राम पंचायत इस वर्ष वृक्षारोपण करेंगे। सभी जनप्रतिनिधि और सरपंच गणों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करें एवं उनकी देखरेख में पानी देना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर स्वच्छता प्रभारी एवं राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि वृक्ष धरा को सुंदर और आकर्षक बनाने के साथ साथ जीवन दायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यह कार्यक्रम सफल हो सकेगा। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी रामदीन गुर्जर, लेखा अधिकारी राजकुमार सोनी, समस्त ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक, पंचायत समिति के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। धौलपुर की आदर्श ग्राम गहेंदी में पहली डांग कावड़ मात्र 8 घंटे में सोरो गंगा जी से गहेंदी 180 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा झारखंड पर चढ़ाई कावर का समस्त ग्राम वासियों ने बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। कावर लाने वाले भक्त में एक रवि त्यागी, दूसरा देवकांत त्यागी, तीसरा सोनू शर्मा, चौथा अरुण शर्मा, पांचवा कृष्णकांत शर्मा, छठा लोकेश, सातवा चंद्रकांत त्यागी, आठवा विकास त्यागी, नौ रामजीत ठाकर, दसवा मनीष कुशवाहा, 11वां अमरकांत कुशवाहा, 12वां रामाकांत त्यागी, 13वां विशाल राठौर, 14वां बंटू शर्मा, 15वां विजय सिंह, सभी कावड़ लाने के बाद सभी भक्तों ने बाबा भोलेनाथ से समस्त प्राणियों जगत का कल्याण की कामना की और भारत हिंदू राष्ट्र हो ऐसा उद्देश्य लेके कावड़ लाई गई थी।
युवा मतदाताओं को किया जागरूक, फेक न्यूज व भ्रांतियां ना मिटाने का दिया संदेश। भरतपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने सहित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इसी तरह निर्वाचन के मुख्य अधिकारी जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिले भर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्क्रिप्ट कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला धौलपुर में सोशल मीडिया प्रकोष्ठ निर्वाचन सदस्य भगवान सिंह मीणा द्वारा शिक्षकों के सहयोग से RCIT की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों व अभिभावकों को मतदाता जागरूकता से रूबरू कराया गया एवं बैनर व पोस्टर के माध्यम से जागरूक किया गया। सभी परीक्षार्थियों ने चुनाव आयोग व जिला प्रशासन के मतदाता जागरूकता अभियान की सराहना की। इस मौके पर प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने युवाओं को मतदान के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर शारीरिक शिक्षक व्याख्याता विजेंद्र सिंह, वीर सिंह टॉक, शैलेंद्र दीक्षित, पीएलओ देवेश, प्रकाश धागरे, नरेंद्र, ममता, पुष्पेंद्र, आशा, शिवानी, राजकुमार सहित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और मतदाता बंधु मौजूद रहे। भरपुर से सुखदेव कांभोया की रिपोर्ट। जिले भर में लोगों को जागरूक कर भ्रष्ट विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उच्च स्तरीय कराएंगे जांच। संजय कंसाना। अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा की ओर से आज कई जगह जनसंपर्क किया गया। इस मौके पर महासभा के जिला अध्यक्ष संजय कंसाना ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। कंसाना ने कहा कि अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा की ओर से जिले भर में युवाओं को जोड़कर लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करके काम किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। जिला अध्यक्ष संजय कंसाना ने कहा कि जिले में लोगों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी है, यही कारण है कि इसका कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी फायदा उठाते हैं, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। कंसाना ने कहा कि जिले में कई विभागों में मनमानी चल रही है, लोगों को अपने अधिकारों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस अवसर पर लोगों ने इस मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। भरपुर जिले के गांव रैपरियापुरा पोस्ट रतनपुर तहसील बसेड़ी के किसानों ने खातेदारी में से सड़क निकाली गई, जबकि किसानों को जानकारी नहीं ना ही दी गई। किसी को नोटिस जारी किया गया और ना ही खेतों में खड़ी फसल में JCB चलाकर किसानों का नुकसान किया गया। खेतों की उपजाऊ मिट्टी को खेतों से उठाकर सड़क पर डाला गया, जिससे किसानों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ। किसानों को इसमें आपत्ति जताने पर ठेकेदारों के द्वारा धमकाया गया और यह सरकारी काम है, इसको आप रोक नहीं सकते, नहीं तो आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। न ही किसी किसान को कोई मुआवजा दिया गया। उक्त खातेदार है राम प्रकाश शर्मा, निकराम शर्मा, ब्रजेश कुमार शर्मा, दिलीप परमार, सुरेश चंद्र शर्मा। खसरा 10/29, 10/25, 10/26, 10/28, जिसके बारे में किसानों ने धौलपुर कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन। खातेदारी की जमीन में रोड निकाली गई है, लेकिन किसानों को किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। और ये सितंबर माह से शुरू की गई थी, जिस समय रबी की फसल खड़ी हुई थी और फसल को भी छोड़ दिया गया था। उसके बाद खेतों से जब उठाई गई बोर्ड के लिए, लेकिन ठेकेदार द्वारा मनमाने के चलते किसी की नहीं चली और उसने अपनी पूरी ताकत से यह रोड डलवा दी। और हम इसी का ज्ञापन कलेक्टर साहब को देने के लिए जिला कलेक्टर आए हुए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए धौलपुर जिले का नंबर 1 चैनल चंबल प्रभा। धन्यवाद।